जी मैं रखो तो मैंने फोन करे इस पे फोन नहीं उठाया जिसने जी तो मैंने रात भी करे इस पे फोन सेलर में काम चल गया सेलर में नहीं मजी जी 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 तो इसने फोन नहीं उठाया जी मैं काम करूंगा हमने इसका करके मैं सवेरे आ जाएगा काम चल रहे जब जी जब सुबह करे सुबह उठाया तो मैंने 8-9 बजे करे फोन इस पे मैं कहां रह गया ये तो फिर सचिन ने उठाया फोन इसका भी कौन बोल रहा मैं जी मैं इसका भाई बोल रहा यहाँ आ जा जल्दी भाई ऐसे ऐसे बात है इसके साथ जब मैंने फिर मैं तो गेली तुरंत आया मैं चाचा साथ मेरे घर में आया तो मैंने आके देखे इसका तो मुनीम थे खेतों में कैसे पहुंच गए ट्यूबवेल में वहां पे यही तो कह रहे ना कैसे ये तो हमारे साजी साजी है तो अच्छा जी हमारे इतना लंबा मतलब चार बंदों ने गिरा ऐसे कैसे मर जाएगा ये तो कोई रंजिश पानी थोड़ा सा कोई रंजिश वगैरह किसी से लड़ाई झगड़ा की कोई जरूर पहले किसी से लड़ाई झगड़ा चला नहीं कोई ऐसी आई नहीं जी ऐसी कोई रंजिश नहीं है तो आपसे कब लास्ट बात हुई थी इनकी? मेरे सुबह बात नहीं हुई इससे कोई फोन नहीं उठाया कल भी नहीं रात को भी नहीं कल भी बात नहीं करी ना फोन नहीं उठाया मतलब काम कर रहे हैं तो मतलब रात से ही हो गया था ये हाँ, रात ही हो होगा हमको नहीं पता जी कुछ भी मार को तो एस एच ओ साहब है कुछ ब्रेगे उसने फोन उठाया इसका मखा जी कहाँ भाई तो नहीं मैं तो यार एस एच ओ बोल ऐसे ऐसे मेरे जब मैं फिर जब उसके पास गया तो देखा वहाँ पानी में पड़े तो चोट लग रही इसके पास नाक में खून है अच्छा चोट भी लग रही है क्या नाम था योगेश शर्मा कितनी उम्र उम्र इसकी 35 साल तो कितने बच्चे वगैरह बच्चे दो हैं छोटे छोटे जी बता उनका क्या होगा छोटे छोटे हाँ छोटे बच्चे हैं जी बिल्कुल तो कार्रवाई की मांग करते हैं कार्रवाई की मांग करेंगे जो होगी कार्रवाई करो जी जी बस सामने जी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के ट्रामा सेंटर से और आप देख सकते हैं एक जो 35 वर्षीय व्यक्ति बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल के अंदर डूबा हुआ मिलता है जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया हालांकि FSL की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया था फिलहाल आप देख सकते हैं जो अब जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर लेकर आया गया है और यहाँ से करनाल के शव गृह में लेकर जाया जाएगा फिलहाल ट्रामा सेंटर में जो बॉडी है वो पहुंची है जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से बताया जा रहा है कि सरफा माजरा गांव के अंदर जो है खेतों के ट्यूबवेल में जो है व्यक्ति पड़ा हुआ मिलता है जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और उसके बाद जो FSL की टीमें हैं डॉक्टर्स की टीमों को मौके पर बुलाया गया था और उसके बाद जो शव को है वो कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में लाया गया है ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से करनाल के ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें हैं हालाँकि जो पानी के अंदर बताया जा रहा है कि डूबा पड़ा था ये व्यक्ति और उसे जब आसपास के लोगों द्वारा खेतों में देखा गया तो पुलिस को सूचना दी गई पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लेती हैं अब आगे की जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी हालांकि क्या कारण रहे ये जाँच का विषय है अभी पुलिस मौके पर पहुँचेगी पुलिस से भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं करनाल के ट्रॉमा सेंटर से आपको दिखा रहा हूँ सुबह सुबह एक दुखद खबर जो है वो सामने आती है जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी और उसके बाद अब जो शव है वो लेकर शव गृह में लेकर जाया जाएगा फिलहाल आप देख सकते हैं ट्रामा सेंटर में जो है वो लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर एंट्री कराने के बाद शव गृह में इसको रखा जाएगा जो व्यक्ति है अब कहाँ का रहने वाला था ये भी जानने का प्रयास करेंगे फिलहाल सरफा माजरा गाँव जो है उसके खेतों के अंदर ट्यूबवेल में जो है ये व्यक्ति पड़ा हुआ मिलता है पानी के अंदर देख सकते हैं पुलिस की टीमें जो है वो कुंजपुरा थाने से मौके पर पहुंच चुकी हैं परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे फिलहाल आप देख सकते हैं 30 से 35 साल उम्र बताई जा रही है ये देख सकते हैं किस तरह से ट्यूबवेल के अंदर जो है वो पड़ा हुआ मिलता है जो ट्यूबवेल का होदी होती है उसी के अंदर जो पड़ा हुआ मिलता है अब क्या कुछ कारण रहे फिलहाल इस चीज़ की जाँच जो है वो पुलिस कर रही है फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे भैया क्या हुआ था कैसे हुआ ये जी मैं रखो तो मैंने फोन करे इस पे फोन नहीं उठाया जिसने जी तो मैंने रात भी करे इस पे फोन सेलर में काम चल गया सेलर में नहीं मजी जी 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 तो इसने फोन नहीं उठाया जी मैं काम करूंगा हमने इसका करके मैं सवेरे आ जाएगा अभी काम चल रहे जब जी जब सुबह करे सुबह उठाया तो मैंने 8-9 बजे करे फोन इस पे मैं कहां रह गया ये तो फिर सचिन ने उठाया फोन इसका भी कौन बोल रहा मैं जी मैं इसका भाई बोल रहा यहाँ आ जा जल्दी भाई ऐसे ऐसे बात है इसके साथ जब मैंने फिर मैं तो गेली तुरंत आया मैं चाचा साथ मेरे घर में आया तो मैंने आके देखे इसका तो मुनीम थे खेतों में कैसे पहुंच गए ट्यूबवेल में वहां पे यही तो कह रहे ना कैसे ये तो हमारे साजी साजी है तो हमारे इतना लंबा मतलब चार बंदों ने गिरा ऐसे कैसे मर जाएगा ये तो कोई रंजिश पानी थोड़ा सा कोई रंजिश वगैरह किसी से लड़ाई झगड़ा पावे की कोई जरूर पहले किसी से लड़ाई झगड़ा चला नहीं कोई ऐसी आई नहीं जी ऐसी कोई रंजिश नहीं है तो आपसे कब लास्ट बात हुई थी मेरे सुबह बात नहीं हुई इससे कोई फोन नहीं उठाया कल भी नहीं रात को कल भी बात नहीं करी ना फोन उठाया मतलब काम कर रहे हैं तो मतलब रात से ही हो गया था ये रात ही होगा हमको नहीं पता जी कुछ भी मार को तो एस एच ओ साहब है कुछ ब्रेगे उसने फोन उठाया इसका मखा जी कहाँ है भाई तो नहीं मैं तो यार एस एच ओ बोल ऐसे ऐसे मेरे जब मैं फिर जब उसके पास गया तो देखा वहाँ पानी में पड़े तो चोट लग रही इसके पास नाक में खून है अच्छा चोट भी लग रही है हाँ क्या नाम था योगेश शर्मा कितनी उम्र उम्र इसकी 35 साल तो कितने बच्चे वगैरह बच्चे दो हैं छोटे छोटे जी बता छोटे 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 बच्चे हैं जी बिल्कुल
तो कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई की मांग करेंगे, जो होगी कार्रवाई करो। जी जी सामने जी आप देख सकते हैं भाई हैं योगेश, जिनकी जो बॉडी है वो मिलते हैं, जिसके बाद उनके भाई व परिवार के सदस्य तमाम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हालांकि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मामला जो है हत्या से जुड़ा हो सकता है, इस चीज़ की जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस जो है वो पूरी इस मामले में कड़ा संज्ञान लेकर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। आप सभी से अपील करूँगा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। कुंजपुरा थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, उनसे भी जान लेते हैं। सर विजय सर पहुंचे, विजय सर क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ मामला था ये? आज सुबह हमें सूचना मिली कि कुंजपुरा के रकबा के एरिए के अंदर खेत के अंदर ट्यूबवेल का जो होद होता है जी, जी। किसी इंसान की डेड बॉडी देखी गई है जी। तो हमने वहाँ पर जाकर पता किया तो उसके हड्डी के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी थी जी। हमने उसका पता किया, वो वहीं सरफाबाद माजरा का जो नज़दीकी गाँव है वहीं का रहने वाला है जी। परिजन भी मौके पर आ गए हैं जी, और फिलहाल जांच की जा रही है जी। जो भी परिवार के बयान होंगे और जो भी हमने वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह की विजिट करवा दी है जी जी, जो भी आगे सामने आएगा जो कार्रवाई की मांग होगी कार्रवाई की। तो अब बॉडी को कब्जे में लेकर? बॉडी को कब्जे में ले लिया है, हॉस्पिटल ले आए हैं। हाँ जी जी। परिवारजन भी आए हुए हैं जी, इसको अभी मोर्चरी में रखवाएंगे और इनसे इनके जो भी बयान होंगे आगामी कार्रवाई की जाएगी।